देख सकते हैं डीटीपी द्वारा जिन लोगों के, जिन गरीब लोगों के घर तोड़े गए हैं वो डीसी आवास की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आपको दिखा दूं कि दूसरे तरफ जो है पुलिस जरूर तैनात कर दी गई है। अब आगे की तरफ बढ़ते हुए ये लोग जो है आपको नजर आ जाएंगे, पीछे पीछे पुलिस की गाड़ी भी नजर आ रही है और लोग लगातार आगे बढ़ते हुए आपको दिख रहे होंगे। जी हाँ, डीटीपी द्वारा, नए डीटीपी द्वारा लगातार जो है ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए इनकी जो है घर जरूर तोड़े गए। और देख सकते हैं कि वहां पर सामने अगर आपको दिखा दें कि पुलिस जो है तैनात कर दी गई है और ये वो रोड है जहां पर एसपीडीसी के आवास हैं। जी हां, यहां पर लोग आप देख सकते हैं कि जो सामने पुलिस आपको नजर आ जाएगी रोकने का प्रयास करती है और यहीं पर जो है लोग किस तरह से आपको नजर आ जाएंगे कि लोग जो है वो यहाँ पर जो है आपको रुकते हुए नजर आ जाएंगे। फिलहाल जिन लोगों के घर तोड़े गए हैं वो लोग सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि किस तरह से जो है यहाँ पर लोग देख सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर नजर आ रहे, और पीछे आपको नजर आ जाएगा कि लोग किस तरह से जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट फिलहाल करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर आपको बता दें कि लोग प्रोटेस्ट करते हुए डीसी आवास की तरफ बढ़ते हुए, जी हाँ, देख सकते हैं आगे बढ़ते हुए सामने पुलिस बल जो है तैनात कर दिया गया है। जी हाँ, रोका जरूर जाएगा या फिर आगे ये लोग इसी तरह से बढ़ते हुए आपको नजर आ जाएंगे। यहाँ पर पुलिस की टीमें जो है लगातार तैनात की गई है। यहाँ पर देख सकते हैं बातचीत करने का भी प्रयास जरूर किया जा रहा है। जी हाँ, बातचीत करने का भी प्रयास जरूर किया जा रहा था पुलिस द्वारा। आप देख सकते हैं आगे ये रोड, इस रोड की बात बता दें कि यहाँ पर एसपी आवास है, डीसी आवास है, डीएसपी आवास है, सभी वीआईपी रोड जरूर है। यहाँ पर लोग आगे बढ़ते हुए आपको नजर आ जाएंगे कि किस तरह से जिन लोगों के घर तोड़े गए हैं डीटीपी द्वारा, जो अवैध कॉलोनियां जरूर है, रजिस्ट्री उनकी है, और साथ साथ अगर बता दें कि इंतकाल हुआ है, लोग जो है सकते में जरूर आ गए, अपनी जिंदगी भर की पूंजी कमाई लगाने के बावजूद जो उनके घर किस तरह से तोड़े जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है कि लोग जो है यहाँ पर पीछे पुलिस जरूर तैनात की गई है। वहीं अगर आप देख सकते हैं पुलिस के साथ साथ जो है साथ में चलती हुई जरूर नजर आ रही है। वहीं ये लोग आगे बढ़ते हुए भी नजर आ जाएंगे। जी हाँ, ताबड़तोड़ कार्रवाई करनाल में की गई नए डीटीपी करनाल के द्वारा, और उसके बाद किस तरह से लोग जो है यहाँ पर आगे बढ़ते हुए आपको नजर आ जाएंगे। हाथों में देख सकते हैं बैनर ले रखे हैं, हमारा मकान वापस करो, जो मकान तोड़ा गया है वो वापस करो। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर नारे लगाते हुए आगे बढ़ते हुए जरूर नजर आ जाएंगे। ये तस्वीरें हरियाणा के करनाल की है। जी हाँ, ये तस्वीरें हरियाणा के करनाल की है, जहाँ पर आप देख सकते हैं जिन लोगों के घर तोड़े गए हैं अवैध कॉलोनियों में, जो है वो घर जरूर है लेकिन उसके बावजूद अगर बात की जाए तो रजिस्ट्रियां क्यों की जाती है, और साथ साथ जो है इतना मोटा पैसा बिल्डर द्वारा बात की जाए जो उनको सरकार को मानेंगे भी, आप लोग जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी पीला पंजाब चलाएं। अपने लिए तो कानून अलग, गरीब आदमी के लिए कानून अलग। तो हम प्रशासन से भी डिमांड करते हैं कि वहाँ खालसा कॉलेज के साथ में जो कस्टोडियन की जगह पड़ी है उस पर भी कब्जे किए जा रहे हैं। जहाँ ये कार्रवाई की वहाँ पर भी ऐसी बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं। सर, वो जहाँ ये कार्रवाई की गई थी, देखो रजिस्ट्री बना रखी है, रजिस्ट्री तहसीलदार ने कर दी, उसके बाद क्या क्या प्रूफ होती है हमारे को? इंतकाल भी है उसका। इंतकाल है सारा कुछ, आपके नाम तहसीलदार ने रजिस्ट्री करके कोई फर्जी, अगर रजिस्ट्री फर्जी हो तो हम दोषी हैं, रजिस्ट्री जनवन है। फिर उसके बाद अथेंटिसिटी किस चीज से साबित करें हम लोग? तो देख सकते हैं लोग किस तरह से आपको नजर आ जाएंगे बीच में। जी हाँ, लोग किस तरह से यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। कहीं ना कहीं जो है सड़कों पर उतरे हुए हैं गरीब लोग, जिन्होंने जो है इतना पैसा लगाकर जब घर खरीदा तो वो घर तोड़ दिया जाता है डीटीपी द्वारा, और कहीं ना कहीं इस कार्रवाई का विरोध करते हुए तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद।
देख सकते हैं जो लोग हैं वो किस तरह से डीसी आवास की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर रोका जरूर जा रहा है। ये देख सकते हैं जो है आपको पुलिस और लोग आमने सामने जरूर नजर आ जाएंगे किस तरह से रोकते हुए, जी हाँ रोकते हुए आपको नजर आ जाएंगे कि आमने सामने ना जरूर नजर आ जाएंगे। देख सकते हैं पुलिस जो है रोकती हुई जरूर नजर आ रही है कि किस तरह से रोका जरूर जा रहा है, जी हाँ रोका जरूर जा रहा है पुलिस द्वारा। लेकिन आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं लोगों में गुस्सा है और आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कानून के मानने वाले जो आपकी इमदाद होगी, जो आपकी हेल्प होगी यहीं से करवा लेंगे। हम पुलिस द्वारा लोगों को समझाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है और आगे जो लोग आधे आपको दिख जाएंगे कि आगे भी जो है लोग बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, आधे लोग जो है आपको आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि लोग जो है आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, बीच बीच में जो है पुलिस द्वारा रोका जरूर गया लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में गुस्सा जरूर है जिस तरह से उनके मकान तोड़े जा रहे हैं और उसके बाद लोग सड़कों पर हैं। इन लोगों के मकान फिलहाल जो है वो तोड़ दिए गए हैं, कहीं ना कहीं आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है सकते में है इस बात से कि उनके द्वारा जो जीवन की पूरी कमाई लगाई गई उसको तोड़ दिया गया। आपसे अपील रहेगी वीडियो को शेयर करें, आगे भी जो है डीसी आवास के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हैं, वहां पर देखते हैं कि क्या कुछ होगा, क्या डीसी साहब घर पर है या नहीं है या बातचीत के लिए आते हैं या नहीं। आपसे अपील वीडियो को शेयर जरूर करें। लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से, मैं आरती राणा से योगी अमन ग्रोवर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।